नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा सीट पर एक बार फिर से दो बाहुबलियों के बीच की जंग सड़क पर आ गई है। बीजेपी समर्थकों से हिंसक झड़प होने के बाद अयोध्या की गोसाईगंज से सपा प्रत्याशी अभय सिंह सुबह 4 बजे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की गोसाईगंज विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी अभय सिंह और बीजेपी उम्मीदवार आरती सिंह के समर्थकों में शुक्रवार देर रात जमकर भिड़ंत हुई थी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव और फायरिंग का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस ने सपा प्रत्याशी अभय सिंह को अब गिरफ्तार कर लिया है। देर रात अयोध्या से एक बड़ी खबर सामने आई। अयोध्या के गोसाईगंज विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अभय सिंह के काफिले पर फायरिंग की गई। वहीं यहीं से बीजेपी प्रत्याशी आरती सिंह के पति खब्बू तिवारी का आरोप है कि बीजेपी समर्थकों पर अभय सिंह के समर्थकों ने हमला किया है। सपा प्रत्याशी बाहुबली अभय सिंह और बीजेपी प्रत्याशी आरती तिवारी के समर्थकों के बीच टकराव हुआ था। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस दौरान दोनों पक्षों में कई राउंड हवाई फायरिंग भी हुई। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। दोनों गुटों के बीच हवाई फायरिंग और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। खब्बू तिवारी के समर्थकों पर अभय सिंह के काफिले पर गोलियां चलाने का आरोप लगा है। वहीं खब्बू तिवारी के समर्थकों का कहना है कि उन पर भी हमला हुआ है। गिरफ्तारी को लेकर अभय सिंह ने कहा है कि उनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने अपने समर्थकों से कहा है कि अब मैं तो जेल जा रहा हूं, अब चुनाव आपके हवाले है। भाजपा प्रत्याशी आरती तिवारी के पति और पूर्व भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी अयोध्या जेल में भ्रष्टाचार के एक मामले में पहले ही बंद है। लिहाजा अयोध्या जिला कारागार में टकराव से बचने के लिए अयोध्या पुलिस प्रशासन अभय सिंह को दूसरी जेल में शिफ्ट करने की तैयारी में है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।